गुलाब जामुन खाना किसे पसंद नहीं होता, और जब घर में बन जाए तो मजा दुगना हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सॉफ्ट स्पॉन्जी और टेस्टी गुलाब जामुन। दोस्तों, ये जितना दिखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं, और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान होता है। खासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है मिठाइयाँ, तो उनका जब भी मन करे आप उन्हें बनाकर खिला सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। तो शुरुआत करते हैं हम चाशनी बनाने से। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, तो इसके लिए हमने ये पतीला लिया है। इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी। तो हमने चीनी यहाँ 300 ग्राम के करीब ली है, और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही इसमें पानी ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम अब हम ऑन कर लेंगे, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि चीनी घुल ना जाए। इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी आप देख सकते हो कि पानी के अंदर चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो हमें गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है, और इसे हमें उबलने देना है। और जब तक चाशनी बन रही है, हम गुलाब जामुन के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने रेडी मिक्स वाला गुलाब जामुन का पैकेट लिया है, और ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इसे हमें छान लेना है जिससे कि सारे लम्स ख़त्म हो जाए, और जब हम गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे तो कोई भी क्रैक्स ना आए, इसके लिए इसे हमें अच्छे से छान लेना है। और दोस्तों, आप देखना, जब ये बनकर तैयार होंगे तो आप बिल्कुल जज भी नहीं कर पाओगे कि ये बने किसके हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने जो गुलाब जामुन का पाउडर है इसको हमने छान लिया है। तो हमने यहाँ दूध लिया है, ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रेश क्रीम दूध है। आप अगर पानी में भी इसको गूंदना चाहे तो गूंद लेना है, टेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दूध हमने यहाँ गुनगुना लिया है, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए, ये दूध डालते हुए इसके हमें एक, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसका जो आटा होता है नॉर्मल, वैसा ही हमें गूंद कर तैयार करना है। ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ढीला रखना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें इसे गूंद लेना है, ज़्यादा एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो सारी गड़बड़ हो जाएगी ना, इसीलिए। दोस्तों, ये गुलाब जामुन बनाने के लिए बहुत ही ख़ास ट्रिक है कि इसे हमें बहुत ही अच्छे से मसल मसल के गूंदना है जिससे कि ये चिकना और स्मूथ बनकर तैयार हो जाए। इससे गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएगा। और अभी आप देख सकते हो कि गुलाब जामुन का डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए, इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है, और हम फिर से चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो चाशनी अभी हमारी बनकर तैयार नहीं हुई है, इसके अंदर हमें एक बार फिर से चम्मच घुमाकर देख लेना है। ये उबल रही है, तो इसके अंदर हमें 2 इलायची फ्लेवर के लिए ऐड कर देनी है, और इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए फिर से उबलने देना है। तो चलिए, अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो हमें चाशनी को बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं बनानी है, ना कोई तार बनाना है। सिर्फ जब उंगली लगाकर देखेंगे तो चिपचिपाहट आनी चाहिए, बस बिल्कुल चाशनी हमारी परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम डो की तरफ चलते हैं। तो एक बार फिर से हमें इसे मसल लेना है, और जितनी साइज की आपको गुलाब जामुन चाहिए उसको हमें डिवाइड कर देना है। तो हमने यहाँ छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाने हैं। जब इनको फ्राई करके जब हम चाशनी में इसको डालेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल कर तैयार हो जाने हैं। तो इन्हें हमें ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखने हैं, मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि गुलाब जामुन के बॉल्स बनाने के लिए हमने डो को डिवाइड कर दिया है, इससे साइज का हमें अंदाज़ा रहेगा। तो हमने यहाँ हाथों के अंदर घी लगा लिया है, चिकना कर लिया है, और ऐसे हमें बॉल्स बना लेने हैं अच्छे से मसलते हुए, राउंड शेप देते हुए अच्छे से मसल लेना है। ये देखिए दोस्तों, क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से मसल कर अच्छे से बना लेना है, इससे बिल्कुल भी, देखो
इतना स्मूथ सा बॉल बनकर तैयार हो गया है। तो सेम तरीके से हमें सभी बॉल्स बनाने लेने हैं। मैं आपको दूसरा बॉल भी बनाकर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार होगा, इसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो आपके जो गुलाब जामुन बनाएंगे उनमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये देखिए, जब हम इनको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी ये फटेंगे नहीं। तो सेम तरीके से हमें सभी बॉल्स बना लेने हैं। और अभी आप देख सकते हो कि हमने सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो अब हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो हमने यहाँ ऑलरेडी घी गर्म होने के लिए रख दिया था। आप अगर चाहो तो इन्हें ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो। और इसे हमें हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं गर्म करना है, लो मीडियम पे ही गर्म होने देना है। और इन्हें हमें लो मीडियम पे ही फ्राई करेंगे गुलाब जामुन। तो चलिए पहले हमें इसे चेक कर लेना है। बॉल्स डाल दिया है, ये जब तैर कर ऊपर आ जाएगा तो हमें ऐसे अंदाज़ा हो जाएगा कि तेल हमारा परफेक्ट तरीके से तैयार है। ये देखिए, तैर कर आ गया है। तो हमें सभी गुलाब जामुन के बॉल जो बना के रखे हैं उन्हें फ्राई करने के लिए डाल देने हैं। और इन्हें हमें चम्मच से हिलाते हुए फ्राई कर लेना है। इससे इसका चारों तरफ से सेम फ्राई होगी और इनका कलर भी सेम हो जाएगा। दोस्तों, हमें इस बात का तो विशेष ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल भी हाई नहीं रखनी है, मीडियम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि इससे आपके गुलाब जामुन जल्दी ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि गुलाब जामुन जो है वो जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। और ये देखिए, गुलाब जामुन का कलर एकदम से गोल्डन ब्राउन आने लगा है। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया तरीके से गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेना है। निकालते ही हमें इन्हें तुरंत चाशनी के अंदर डाल देना है। तो फिर से हमें चाशनी हमारी चुट है वो ठंडी हो गई है, तो इसे हमें फिर से एक बार गरम कर लेनी है। और गरम गरम चाशनी के अंदर हमें इसे ऐड कर देना है और इसे हमें एक बार चम्मच से हिला लेना है। और इसके ऊपर हमें ढक्कन लगाकर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है, जिससे कि चाशनी हमारी गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। दो घंटे के बाद चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक गुलाब जामुन दिखा देती हूँ, क्योंकि गुलाब जामुन ने चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। जब हम इसे हाथ में लेंगे तो देखिए कितना लूज लग रहा है, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है, टूट भी गया है ये। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो सॉफ्ट और स्पॉन्जी और टेस्टी रसीले गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और आपने देखा दोस्तों कि इन्हें बनाना भी कितना आसान है। कम से कम 15 से 20 मिनट में आपके गुलाब जामुन बनकर रेडी हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। थैंक यू।